علی 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 جانم علی ای جان جانم علی چه در طرب چه در تعب چه در نعم چه در نقم چه در نهان چه در عیان چه در عرب چه در عجم چه در صفا چه در منا چه در حریم چه در حرم به ذکر مرتضا علی خوشم مدام دم زنم به هر دیار میزنم نغمه یا علی 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 جانم علی ای جان جانم علی علی الله جل لبيك مولا الله جل لبيك مولا الله جل لبيك مولا الله جل لبيك يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني السر सारी दुनिया में उजाला नूर का हो जाएगा नूर का हो जाएगा सारी दुनिया में उजाला नूर का हो जाएगा बनाए काबा की छत पर एक कलम लहराएगा जब मौला आएंगे जब मौला आएंगे जब मौला आएंगे जब मौला आएंगे देखना एक रोज मंजर इस तरह का आएगा मंजरों पर एक मंजर मुस्तकिल हो जाएगा हाँ यही मंजर कयामत की खबर बन जाएगा यही मंजर कयामत की खबर बन जाएगा सारी दुनिया में उजाला नूर का हो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى العمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह सुबहानहु व तआला की अता करदा तौफीकात बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नतीजा में जब भी तौफीक हासिल होती है, चूँकि आज कम अज़ कम 10 दिन के बाद ये नहीं कह सकता हूँ कि हर रोज़ आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होते हैं, आज ये कि जब भी अल्लाह की तरफ से तौफीक हासिल होती है तो हम आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुबहानहू व तआला हम सबको दर के व तौफीक के दर के उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अनायत फरमाए, ताकि हम इन उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ख़ुद याद करें और उनको समझें, उन पर अमल करें और मुबल्लिग़े अमली बने इंसानियत के लिए, बशरियत के लिए।
अल्लाह सुबहाना हुआ ताला की अता करदा तौफीकात का शुक्र भी यही है कि जो अल्लाह ने हमें नेमत विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आइमा अलैहिस्सलाम अनायत फरमाई हैं, हम उसका शुक्र इस तरह से अदा करें। असदल्लाहु अय्यामकुम। मैं आज आपकी खिदमत में तबरीक भी अर्ज करता हूँ बमुनासबत विलादत बसआदत हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। बिना बर रिवायात 5 या 6 जमादियुल उला हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का दिन है, 5 या 6 हिजरी को बिना बर रिवायात। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश्शहदा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पहली बेटी हैं जो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अली व बतूल यानी मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अनायत फरमाई। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी सी गुफ्तगू आज इस बानोई बुज़ुर्गवार के सिलसिला में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का हमेशा से तरीक़ेकार यही रहा है कि इंशाल्लाह आपकी फ़ोन कॉल्स, आपके सवालात, आपके तबसरे मशवरे, जो भी सजेशंस, और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर सवाल हुआ तो उनके जवाबात शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक, और अगर आपकी कुछ सजेशंस होंगी तो हमारी साथ। हम देखते हैं कि हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मौलाए कायनात को परवरदिगार ने खलाक़े आलमियान ने हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शक्ल में बेटी अता फरमाई। जब भी हम किसी शख्सियत के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं तो ज़ाहिर है सबसे पहले उनका नाम आता है, और नाम के बाद हम देखते हैं कि उनका लक़ब और उनकी कुनियत वो देखी जाती है कि क्या है। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मुतल्लिक़ के उनका नाम जब विलादत हुई तो बीबी फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब के आगोश में दिया और पूछा कि अपनी इस बेटी का नाम क्या रखा जाए। हम देखते हैं कि हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये कहा तो मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी बेटी के नाम के सिलसिला में रसूल खुदा पर सबकत ले जाऊं। और आपने ये देखा कि जब भी जैसे इमाम हसन मुज्तबा की विलादत हुई, इमाम हुसैन सैयदुश्शहदा की विलादत हुई, और अब हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत, उसमें देखते हैं कि कभी भी मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब पर फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सबकत नहीं ली, और मौलाए कायनात ने हमेशा इंतज़ार किया रसूल खुदा का, और जब रसूल खुदा तशरीफ़ लाए तो यही बात मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब ने हज़रत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह बेटी का नाम तजवीज़ फरमाइए, तो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि या अली, मैं कैसे सबकत ले जा सकता हूँ रब जलील परवरदिगार खलाक़ आलमियान पर। इंतज़ार किया, जिब्राइल आए, और बिना बर सुन्नत हाई ये इस माह कबली, जो कि पहले भी जब विलादत हुई है तो उनकी जो सुन्नतें थीं उसके मुताबिक जिब्राइल ने आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, लौहे महफूज में इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा गया है, लिखा हुआ है इसका नाम ज़ैनब है। तो इस तरह से नामगुजारी हुई हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। हम देखते हैं कि हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, अब ये ज़ैनब जो है इसके दो मशहूर माना बयान किए जाते हैं, यानी एक तो ये है कि ज़ैन अब, ज़ैन ज़ीनत, अब बाप, बाप की ज़ीनत, यानी वो बेटी जो बाप के लिए बायस ज़ीनत, उसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा
बेशक अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए, मौला कायनात के लिए बाहिस ज़ीनत हैं। तो पहली तो तरकीब जो है इसे ज़ैनब, और उसके बाद ये कि कहा कि बहिश्त में एक दरख्त है या एक खुशबूदार, उसका नाम जो है ना वो ज़ैनब है, और वहाँ से जो है वो नाम मुश्तक यानी लिया गया। और जिब्राइल के कहने पर, परवरदिगार खलाक़े आलमियान की ख्वाहिश पर लोहे महफूज से ये नाम लाकर हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब दायरा, मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि जो भी शख्सियात जब हम उनके मुतल्लिक बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो नाम होता है, और नाम के अलावा अरब मुआशरे में बिलखसूस अलकाबात हैं, लकब, कुनियत। अच्छा, कुनियत में ये होता है कि जैसे हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं, खुद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को भी तारीख के अंदर बाद मुवर्रखीन ने, जैसे शरह इब्न अबुल हदीद जो है, मतलब जब उसने शरह लिखी है तो उसमें आकर इब्न अबुल हदीद, उसने बास जगह पर और बास मुवर्रखीन ने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को भी अबी ज़ैनब के नाम से लिखा है। अगरचे उसकी दायरा बहुत सारी वजूहात हैं कि बास जगह पर यह है कि भाई नहीं चाहते थे जहाँ पर वो नाम लिखना, तो फिर वहाँ पर जब लकब या कुनियत से याद करते हैं तो वहाँ पर अबी ज़ैनब के नाम से भी, वैसे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को अबुल हसन कहते थे, यानी आपने पढ़ा होगा यकीनन तारीख के अंदर और देखा होगा, मतलब जो जो आजकल सीरियल्स वगैरह बन रही हैं तो उसके अंदर अबुल हसन, अबुल हसन जो है वो, यानी चूँकि बड़े बेटे मौला कायनात के इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम थे, तो अरबों के अंदर बड़े बेटे के नाम से अबू मोहम्मद, अबू ज़ैनब, अबू अली, अबू अबुल हसन, जैसे कि खुद रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हैं, अबुल कासिम। अच्छा, अब ज़ाहिर है वो ज़ाहरी तौर पर चूँकि कासिम जो है उनके बड़े बेटे थे जिनका इंतकाल हो चुका था, अगरचे यहाँ पर बातनी इसकी रिवायत भी हैं कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, चूँकि अना कसीमुन नार वल जन्ना, कि मैं जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला हूँ, और अबुल कासिम जो है यहाँ पर मुझ से है, चूँकि मैं ज़ाहिर मतलब ग़ुलाम रसूल खुदा, मिसल फ़रजंद रसूल खुदा, तो यहाँ से अबुल कासिम जो है ना वो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब कासिम मुराद कसीमुन नार वल जन्ना। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि ज़ाहरी तौर पर बड़े बेटे की वजह से, तो यहाँ पर ज़ाहरी तौर पर लकब तो यानी कुनियत जो है वो खुद रसूल खुदा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की अबुल हसन थी, लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ जगह पर तारीख में बाज़ रिवायात जो हैं या बाज़ अकवाल जो हैं वो अबी ज़ैनब के नाम से भी हमें मिलते हैं, जो इशारा इस तरफ के पहली बड़ी बेटी जो है वो हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा थी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि खुद जो कुनिये और अलकाब हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की, अब मैंने अर्ज़ किया ना कि एक ज़ाहिर है और ज़ाहिर और फिर एक बातिन है, तो जो शख्सियात होती हैं उनके अंदर ज़ाहरी तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे की वजह से, मतलब अबुल हसन, ये एक ज़ाहरी जो है ना वो कुनियत और अलकाब है, उस पर ज़्यादा मतलब गैर इसके कि भाई चूँकि ज़ाहरा ये बेटे का नाम था तो उससे अबुल हसन हो गए, हसन के बाबा, लेकिन जो अलकाबात और कुनियतें जो इंसान के किरदार की वजह से आती हैं, जो इंसान की शख्सियत की वजह से आती हैं, जो इंसान के आमाल की वजह से आती हैं, यानी वो आमाल, किरदार, शख्सियत कि जिसकी वजह से जो तारीख के अंदर एक मरतबा तय हो जाता है, यानी जो गुजर जाता है और फिर बाद में जो कुनियत और लकब दिया जाता है, वो दर हकीकत इंसान की शख्सियत की सही मारफत और मारफी होती है, शिनाख्त होती है। यानी अगर आपने किसी की शख्सियत को देखना हो कि उन्होंने ज़िंदगी में कौन सा कैसा किरदार सर अंजाम दिया है, तो वो जो कुनियत और लकब होता है वो सबसे मुहिम होता है। मसलन मिसाल के तौर पर जो सबसे मशहूर कुनियत या लकब जो है ना वो हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के मुतल्लिक उम्मुल मसाइब, मसाइब की माँ। अब देखें ना उम्मुल मसाइब, अब ये पता चलता है कि हज़रत ज़ैनब